गिवन प्रॉब्लम में ए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज एम क्रॉस एन है यहाँ पर कंडीशन है एम लेस देन एन है और ये मैट्रिक्स एम जो है ओवर रियल नंबर्स है हमें बताना है कि ए बी और बी ए सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम रैंक या डिटर्मिनट की हेल्प से बताते हैं या आइगन वैल्यूज के हेल्प से बताते हैं अगर कोई आइगन आइगन वैल्यू जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो आएगा उसके तो हेल्प से हम ये बता सकते हैं डिटर्मिनाट जीरो होगा और डिटर्मिनाट जीरो होगा तो वो सिंगुलर मेटिसिस होती है तो यहाँ पर हमें दो मेटिसिस कहा गया है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मेटिसिस ए बी एंड बी ए आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं इन दो मेट्रिसेस के बारे में हमें बताना है लेकिन हम ये जानते हैं कि इन दोनों में सेम सेम नंबर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन आइगन वैल्यूज वैल्यूज सेम नंबर ऑफ नॉन जीरो देखिए मैं सेम आइगन वैल्यूज की बात कर नहीं कर रहा हूं यहां पर ध्यान देने वाली बात है मैं कह रहा हूं फाइव नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं लेकिन वो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है लेकिन दोनों के फाइव या कुछ भी एक स्पेसिफिक नंबर दोनों में सेम होगा कि दोनों के नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होगी विद नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी यानी कि जितनी बार रिपीट कोई आइगन वैल्यू एक में हो रही है उतनी ही बार दूसरी आइगन वैल्यू भी दूसरे प्रोडक्ट में रिपीट होगी तो हम मान लेते हैं एम आइगन वैल्यूज ए बी की नॉन जीरो हैं ठीक है एम आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी हम मान लेते हैं ये नॉन जीरो हैं ए बी में तो बी ए में भी ये आइगन वैल्यूज एम आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी अगर बी ए में एम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं एम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज हैं तो जीरो आइगन वैल्यू कितनी होंगी एन माइनस एम जीरो अगर प्रोडक्ट में कुछ जीरो आइगन वैल्यू है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो आएगा और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो आएगा इसका मीनिंग है डिटर्मिनाट ऑफ बी ए ये जीरो के इक्वल हो जाएगा और जैसे ही डिटर्मिनाट इक्वल होगा यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा तो ऑप्शन डी यहां पर राइट right की होगा